हेलो दोस्तों, आप सभी को इन्फोटेक चैनल की ओर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही मुश्किल है, टेढ़ी मेढ़ी जमीन का तीन भागों में हम कैसे बांटें, और उस पर भी मेन केस हो जाता है कि एक साइड रोड है। सभी कोई चाहेंगे कि रोड के तरफ ही हमको ज्यादा से ज्यादा जमीन मिल जाए, तो एक भाई को ज्यादा मिल जाएगा तो दूसरा भाई को आपत्ति रहेगा कि भाई वो लोग शॉप वगैरह बनाने का ज्यादा है, कुछ पार्किंग का भी ज्यादा है, तो कोई नहीं चाहेगा कि फ्रंट में कोई ज्यादा ले। तो इसमें सबको फ्रंट में तो कम से कम इक्वल इक्वल मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, और नीचे का देखने कोना एक ज्यादा है, तो इसको हम तीन भाग में कैसे बांटेंगे। सबसे पहले ये 30 फीट है, यहाँ से 30 फीट नाप के एक लाइन मार दीजिए। ये 30 फीट हो गया, या पूरा 50 फीट है तो ये 20 फीट हो गया। इसको आप पहले तीन भाग में बांट दीजिए। तीन भाग में बांट दिया गया। ये तो हो गया आयताकार, और एक बन गया त्रिभुज। आयताकार का तो रकबा निकालना बहुत इजी है, लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए निकालते हैं। उसका क्षेत्रफल टोटल पहले निकाल लेंगे। पूरा क्षेत्रफल आ गया 90 गुना 30, ये हो गया आपका 2700 स्क्वायर फीट। अब इसको तीन भाग में बांटेंगे। तो ये हो जाएगा, सभी को 900 स्क्वायर फीट आयताकार में से मिलेगा, मतलब सबको 900 स्क्वायर फीट मिलेंगे। अब त्रिभुज में क्या है, ये भी 90 हो जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो सभी जानते हैं, 1/2 × आधार × ऊंचाई। कोई भी दोनों ले लीजिए, दोनों एक ही है, बराबर 900 स्क्वायर फीट। ये पूरा त्रिभुज आ गया। अब इसमें तो सबको 300 300, इसको 3 से भाग देंगे हम, तो सबको इसमें से भी 300 स्क्वायर फीट चाहिए, यानी कि एक आदमी को यहाँ एक मिला है सबको 900, और प्लस 300, 1200 स्क्वायर फीट सबको आना चाहिए तीनों को। ठीक है, अब इसमें मेन मुद्दा है कि नीचे का भाग तो कैसे करें तो बराबर होगा। तो इसमें चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें होगा, ये टोटल कितना है, 900 स्क्वायर फीट। इसको बहुत ध्यान से देखें, 900 स्क्वायर फीट कितना में, 90 में। एक में 1 स्क्वायर फीट करेंगे, इसको ऐसे कर दीजिए,
बच गए आपका, एक में 9 फीट। अब एक भाई को कितना पड़ा था, 300 स्क्वायर फीट। 300 स्क्वायर फीट में करेंगे, तो इसमें 9 गुना 300 कर देंगे, तो ये हो गया 2700। अब इसको ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा, इसके लिए इसको वर्ग कर लीजिए। ए कितने आएंगे, 51.96। ए बराबर 51.96 फीट आ गया। ए कितना है, 90 फीट है, तो ये 30-30 फीट का है। 30 फीट है, यानी कि एक आदमी का यहां तक रहेगा। अब दूसरा का हम लोग निकालेंगे सेम इसी तरीका से, 300 स्क्वायर फीट में किए, तो अगला 600 स्क्वायर फीट में कर लेंगे, सेम उसी से गुणा करेंगे। ये आ गया 5400। इसको भी रूट अंडर निकालेंगे तो दोनों को इकट्ठा डिस्टेंस आ जाएगा। सेवेंटी 3.48 फीट डिस्टेंस, ये हम लोग का आया था कितना, 51.96। अब 73.48 में से माइनस करेंगे, 73.48 माइनस 21.52। यहां से 21.52, 21.52। अब ये 90 में से जो बच जाएगा, 90 माइनस 21.52 माइनस 51.96, 16.52 फीट। अब बोले तो आप उसमें से माइनस कर दिए, तो चलिए इसी के हिसाब से करेंगे। 600 स्क्वायर में इतना हुआ, अब 900 स्क्वायर फीट में करके एक बार चेक कर लेते हैं। 900 स्क्वायर फीट बराबर 9 मल्टीप्लाई बाय 900, तो ये आ गया 8100। इसको रूट अंडर करेंगे तो 90, टोटल 90 हो गया। तो 90 माइनस 51.96 प्लस 21.52 करेंगे तो ऑलरेडी आपका 16.52 हो जाएगा। ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए हम किए हैं। 51.96 प्लस 21.52 माइनस 90, 16.52 ऐसे इसमें मिलेगा। एक आदमी को ए पार्ट, ए पार्ट, दूसरा आदमी को ए पार्ट, तीसरा आदमी को ए पार्ट, एक एक आदमी को कितना हो जाएंगे, 900 और प्लस 300 स्क्वायर फीट, मतलब
12 स्क्वायर फीट एक एक आदमी को हिस्सा आएगा, और सबसे अच्छी बात है कि तीनों को बराबर बराबर फ्रंट में जो रोड के साइड है उनको जमीन मिलेंगे, और इस तरह हम इसको अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं, इसी से हम लोगों को हौसला मिलता है।